आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फी। उसके लिए हमने 150 ग्राम फ्रेश कोकोनट लिया है, उसकी ब्राउन स्किन निकाल के उसको ग्रेट कर लिया, और 150 ग्राम ही हमने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। ये होममेड है, इसका वीडियो लिंक ऊपर दिया गया है। 1 टीस्पून देसी घी लिया है, ये प्लेट को ग्रीस करने के लिए। 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, और कुछ पिस्ते लिए हैं जिनको बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया गार्निश के लिए। सबसे पहले हम प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं देसी घी के साथ। सबसे पहले हम कोकोनट में कंडेंस्ड मिल्क डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोकोनट और कंडेंस्ड मिल्क को स्पैचुले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको पकाएंगे। गैस ऑन करेंगे, गैस लो मीडियम के बीच में रखनी है, और पैन जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ये मिक्सचर डाल देंगे। पैन हल्का गर्म हो गया, अब इसमें ये मिक्सचर डालेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता, और कड़छी हमने लगातार चलानी है ताकि ये मिक्सचर नीचे नहीं लगे। ये जो नीचे आपको मॉइस्चर दिख रहा है ये सूख जाना चाहिए, इसको तब तक पकाना है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और लगातार कड़छी चलाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है, तकरीबन इसको 5-7 मिनट लगते हैं बनाने को। मिक्सचर हमारा अच्छे से पक गया, इसका सारा मॉइस्चर भी सूख गया। हमने फ्रेश कोकोनट लिया था इसलिए उसमें मॉइस्चर था, तो इसको 4-5 मिनट लगे। आप अगर पाउडर कोकोनट लेंगे तो उसको कम टाइम लगेगा और जल्दी बन जाएगा। तो अब गैस करेंगे बंद, और इसको ग्रीस लगी हुई प्लेट में सेट करेंगे। इसको प्लेट में ऐसे डाल देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसको पिस्ते से गार्निश करेंगे और हल्का सा दबा देंगे ऊपर से। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो इसके पीसेस हम काट लेंगे। ठंडी होने के बाद हमने बर्फी को 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और आसानी से कट सके। अब हम इसके पीसेस करते हैं। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, इंस्टेंट कोकोनट बर्फी, जिसे बनाने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।